स्टूडेंट्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगला लेक्चर पुराने आपको और दो लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ 3 आवर आपको मिल गया था, शायद 3 एंड 3.5 आवर ऐसे ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि काफी दिन भी हुआ मैं लेक्चर नहीं डाला, आज डाल रहा हूँ वापस। तो वो सारी चीज जो पूरे कहानी है वो आपने देखे होंगे उम्मीद करता हूँ, और उसमें अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो पूछ लीजिएगा फोन करके। बाकी तो पूरा एक्सप्लेन किया गया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से, और अगर आप प्यार से देखे हो तो आपको चीजें समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अगर तो सबसे पहले तो हमारा डोमेन रेंज फंक्शन का डोमेन रेंज ग्राफ ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। वो कैसे आया, पूरा हिस्ट्री क्या है उसके पीछे, सब कुछ आपको शेप में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो उधर से प्रॉपर्ली। फिर जितने भी प्रॉपर्टीज है, लगभग 10-11 प्रॉपर्टी है, वो सारे प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए और उनके एप्लीकेशन भी पता होने चाहिए, जो हम आज डिटेल में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो प्रॉपर्टी 1 से अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4, 5 ये तो आपको याद रखना है, ये 6 तक। अभी प्रॉपर्टी 6 का जो प्रूफ है उसमें आपको कोई दिक्कत वगैरह, हालांकि मैंने बता के दिया था लास्ट क्लास में, पूरा तो नहीं किया था बट बोल के दिया था, फिर भी आपको शीट मिला है, आप देख लीजिएगा एक बार। अगर कोई डाउट वगैरह रह जाता है ना तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा के दे दूंगा वापस पूरा, ठीक है, उसमें मेरा कोई इतराज नहीं है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो एक आध डाउट मेरे पास 2-3 जने ने मेरे को पूछा है कि सर ये जो आपने प्रॉपर्टी 7 में 8, 9, 10, 11 तो वो था 2 sin inverse, 3 sin inverse, 2 cos inverse, 3 cos inverse, 2 tan inverse, 3 tan inverse, और लास्ट वाला एक और था कि 2 tan inverse और 3 tan inverse को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट 4 प्रॉपर्टी था 8, 9, 10, 11। जो 7 वाला प्रॉपर्टी था ना उसमें हमने ये चीज स्टडी किए थे कि ये 4 चीज सीखे थे कि tan inverse का समेशन का प्रॉपर्टी तो 6 में सीख लिए थे, ये था हमारा 7 में मैंने ये 4 प्रॉपर्टी डाल के दिया था। बट बच्चों मेरे पास 2-3 जनों ने, ज्यादा नहीं, 2-3 जनों ने मेरे को ये फोन करके पूछा जरूर कि सर आपने जो बोले ना वो तो बहुत कम हमें लग रहा है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अगर नया कुछ आपको मिल जाता है जो मैंने नहीं पढ़ाया तो बता देना। तो उसी लिहाज से उन्होंने मेरे को बताया कि आपने जो बताया वो तो ठीक है, बट हम जब बुक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर देखे तो हमारे को और काफी ज्यादा चीज मिला, ठीक है। अच्छे बुक्स अगर थोड़ा बहुत सर्च मारोगे तो बहुत ज्यादा चीज आपको मिल जाएगा, मतलब इसका भी 3-3 पार्ट, इसका भी 3-3 पार्ट, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, इसका भी 3-3 पार्ट, इसका भी 3-3 पार्ट। बट बच्चे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना जरूरत का चीज है, अननेसेसरी चीज, फालतू चीज नहीं पढ़ाता हूँ जो आपका दिमाग को खराब करे और मेमोरी को बर्बाद करे, समझ में आ रहा है। बुक्स वगैरह में लिखे हुए हैं वो मैं जानता हूँ, बुक्स वगैरह में लिखे हुए वो मैं जानता हूँ, बट मैं पढ़ाने के टाइम इनको यूज नहीं करता। आपको याद है tan inverse पूरा पढ़ाया था, tan inverse x plus tan inverse y और tan inverse x minus tan inverse y, बट ये जो है उस सबसे कम यूज होने वाले प्रॉपर्टी है, और ऊपर से पढ़ाना क्या है, पढ़ाना तो पढ़ा देंगे, उसमें क्या बोलो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट याद अब नहीं रख पाओगे इसीलिए नहीं पढ़ाता। मुझे खुद को ही याद नहीं रहता बेटा, कभी भी याद नहीं रहता मेरे को ये सर, खास करके ये प्रॉपर्टी का तो कंडीशन मेरे को याद ही नहीं रहता। इसीलिए हम क्या करें, हम दिमाग लगा करके उसको छोटा बना दी, कैसे बना दी, देखो हमने बोले कि आप ध्यान से देखिएगा, मैंने वही सारे कंडीशंस लिखे थे जहां पे मैंने x और y को पॉजिटिव माना, समझ में आ रहा है ना। मैंने x और y को पॉजिटिव मान करके इसका 2 पार्ट था, इसका 2 पार्ट था, इसका 2 पार्ट था और इसका 1 पार्ट था, समझ में आ रहा है। ये तो बताया भी नहीं था मैंने, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y तो बता भी नहीं था, समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको ये बोला था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का एक ही फॉर्मूला बताया था बस, और कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बताया था, समझ में आ रहा है ना। वो तो मैंने बोला कि मैं x और y को पॉजिटिव मान के कर लेता हूं। आप बोलोगे सर अगर नेगेटिव हो जाता है, अबे नेगेटिव हो जाता है तो क्या, अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसमें प्रॉपर्टी अलग से याद रखने के लिए जरूरत है क्या, आप प्रॉपर्टी 3 लगा करके उसको पॉजिटिव बना दो ना, खत्म बात। नहीं यार, प्रॉपर्टी 3 में याद नहीं ना, अगर साइन इनवर्स माइनस 4/5 लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख देगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/5, अभी 4/5 क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, बन गया पॉजिटिव तो लगा दिए फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना। तो मैं पॉजिटिव के लिए सारे फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूं और उसी तरीके से आप सीखो, बच जाओगे, मेरे से भी सवाल सॉल्व होते हैं आपसे भी हो जाएंगे, खत्म बात, समझ में आ रहा है ना। अगर उसके बावजूद आप अपना दिमाग लगाते और सारे फॉर्मूले रटते जाते और गलत ही से उल्टा सीधा हो गया एग्जाम में,
तो फंसे या बुरे तरीके से पहले बता रहा हूं, अपन याद नहीं रखते तो तू भी याद कर, पहले बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, बच जाएगा, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से पढ़ ले, समझ में आ रहा है, क्लियर है। बाकी ये प्रूफ करने का है, ये तो कुछ भी प्रूफ कर देंगे, कभी भी उठा करके प्रूफ कर देंगे, समय लेकर के बैठ जाएंगे आराम से 10-15 मिनट के अंदर सारे सारे दफ्तर करके प्रूफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। बट अगर अपन तरीके से एग्जाम को निकालना है तो हमें ये चीज सोचना पड़ेगा, अननेसेसरी चीजों को दिमाग में रख करके खुद को भी फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता और आपको भी काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे, ये सब याद वगैरह रहता नहीं किसी का, तो इतना सा सोच के रखो। सर नेगेटिव आया, प्रॉपर्टी 3 है, पॉजिटिव बना देंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे। बट आप बोलोगे सर अगर आपने पॉजिटिव के लिए बोला है तो पॉजिटिव के लिए तो सारे केस में एक ही फॉर्मूला आना चाहिए ना, बट इस केस में 2 और इस केस में 2 और इस केस में 1 क्यों आया? मैं बोलूंगा इस केस में 1 के 1 के ऊपर ही कंडीशन है, सिर्फ एक्स वाई पॉजिटिव होने से एक ही फॉर्मूला है, बट इस इन दोनों केस में एक्स वाई पॉजिटिव होने पे भी 2 फॉर्मूला निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करके भी 2 फॉर्मूला निकल रहा है। आप देख सकते हो शीट में मैंने लिख के दिया था, शीट है आज मेरे पास, तो क्वेश्चन लिखने का भी कोई जरूरत नहीं, मजा ही मजा है। अब देख सकते हो यहाँ पे कि जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला था उसमें एक्स वाई पॉजिटिव पे 2 कंडीशन बन रहा था, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर, दूसरा था ग्रेटर देन 1 होगा, अरे यार मिस्टेक हो गया, ग्रेटर देन 1 होगा, समझ में आ रहा है ठीक है, मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिए प्रॉपर्टी 7 में शीट में ये मिस्टेक हो गया, और प्रॉपर्टी 7 का नंबर 1 जो है उसमें सेकंड पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा ठीक है। तो उस तरीके से आपको ये चीज समझना था ठीक है, cos inverse x plus cos inverse y पे xy पॉजिटिव होने से वही फॉर्मूला लगता है और ऐसा कोई कंडीशन बनता ही नहीं है, प्रूफ करके देख लो ना, प्रूफ करके दिया ऐसा कोई कंडीशन बनता ही नहीं है, डायरेक्टली आता है xy पॉजिटिव होने से वही होगा फंडा, समझ में आ रहा है ना। बट cos inverse x minus cos inverse y में वापस xy पॉजिटिव होने पे 2 कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, एक तो x less than equal to y और दूसरा देख सकते हो x greater than y, मैंने लिख के भी दिया, अगर नेगेटिव होता है तो फालतू प्रॉपर्टी बुक से याद मत करो, प्रॉपर्टी 3 लगा करके पॉजिटिव करके काम चलाओगे, समझ में आ रहा है ना। तो इस बात को आपको बड़ा ध्यान से समझना था और उसी चीज को अगर आप समझ जाते हो तो और कोई दिक्कत होने वाला सवाल मुझे लगता नहीं है ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, अगर आप फालतू प्रॉपर्टी याद रखना चाहते हो तो रखो, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप मेरे बात मानना चाहते हो और आसानी से चीजों को निपटाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो जैसे मैं करता हूं ठीक है। तो चलिए अभी थ्योरी तो पूरा पढ़ा दिया था आपको, फिर भी पूरा पेज नंबर 1 से 15 तक आपका पढ़ना काम है, आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर्टी शीट का, फिर अगर कोई डाउट वगैरह हो जाता है आपका तो आप मुझे फोन कर देना, समझा दूंगा, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा ठीक है। बट नेक्स्ट लेक्चर बताने से पहले बनाने से पहले आप मेरे को इन्फॉर्म करना होगा ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हमारा बेसिकली ये क्वेश्चन वाला लेक्चर है ना। सबसे पहला एक्सरसाइज उठाते हैं आईटीएफ का, 4 एक्सरसाइज आप देख सकते हो, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 तो प्रीवियस ईयर है और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 है। तो एक्सरसाइज 1 जो है वो बोर्ड्स के लिए भी सफिशियंट है और जेई के लिए भी जरूरत है, बोर्ड के लिए तो ना फिर उतना कर लोगे तो चाहिए नहीं कुछ ठीक है, बट आईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है, बोर्ड वाला तो पढ़ना ही है। आईटी जेई के लिए तो आपको जानते हो कि 4 एक्सरसाइज करने होते शेट के, बट बोर्ड के लिए आप सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 करोगे, बोर्ड दे देना फिर 100-150 वहीं से आएगा चाहे कितना भी टफ पेपर बना दे, चैलेंज करता हूं। एक्सरसाइज 1 2 24 सीट है, 24 सीट का 2 एक्सरसाइज पॉकेट एक्सरसाइज जिसको आता है पूरा 100-100 लाएगा, किसी भी प्रकार का पेपर बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। आगे कहानी देखते हैं, एक्सरसाइज 1 उठाते भाई क्वेश्चंस ठीक है, अपन क्वेश्चन आज लिख नहीं रहे यार, बड़ा मेहनत सा चीज है, रिलेशन में मेरे को बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ा ठीक है ना, सेट वगैरह भी लिखना पड़ता है ठीक है। तो अभी मेरे पास शीट है भाई, आपके पास भी शीट है तो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ डायरेक्टली और इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, बस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिख रहा हूँ, पूरा मत मानिएगा ठीक है, इतना कुछ लिख के बार बार पॉज वगैरह करके ये सब मेरे को इतना एनर्जी नहीं है भाई ठीक है, बुरा मानना है तो मान जा, क्या करें, पढ़ने से मतलब है ना भाई। चलो पहला सवाल देखते हैं अपन एक्सरसाइज 1 का, क्या बोलता है 14 क्वेश्चन में डिटेल, उसमें बोलता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, समझ में आ रहा है ना, ये सारे वैल्यूज को अपने को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। देखो जरा ध्यान से, पहला क्या है, पहला है हमारे पास पूछा है साइन इनवर्स 2π/4 ठीक है, साइन इनवर्स 2π/4। अभी जरा ध्यान से देख, इस चीज का वैल्यू निकालने जाएगा, क्या पता है सर साइन इनवर्स एक्स, उसके बारे में बातचीत कर रहे हो तो पहले इसका डोमेन रेंज थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं
डोमेन क्या हो जाता है माइनस वन से वन, रेंज क्या हो जाता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बाकी दुनिया भी पॉसिबल है, रेंज दूसरा भी हो सकता है, बट वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट्स व्हाई इट्स रेंज इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। समझ में आ रहा है ना? तो फंक्शन डिफाइन कब होगा, पहले तो ये देख रहे थे कि एक्सप्रेशन का वैल्यू डिफाइंड है या नहीं, तो आपको उल्लू बनाया गया इस क्वेश्चन में, समझ सकते हो ठीक है ना, टू से फोर को कैंसिल कर दोगे तो ये कुछ पाई बाई टू टाइप का आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर ये तो हमारे को गड़बड़ लग रहा है, क्यों? बोले तो सर साइन इनवर्स का डोमेन तो माइनस वन से वन होता है और पाई बाई टू तो अप्रोक्सीमेटली 1.57 होता है, मतलब ये वैल्यू तो इसको एक्सीड कर रहा है, तो ये क्या है, क्या इसका आंसर निकलेगा? नहीं, इसका कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज जो एक्सप्रेशन वैल्यू दिया गया है वो क्या है, डोमेन में नहीं है, तो वैल्यू कहां से देगा और आउटपुट कहां से देगा, पॉसिबल ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? उल्लू बना दिया आपको नहीं? चल आगे सोचते अपन, अपना मनमर्जी कुछ क्वेश्चन कराते नहीं क्या? चलो मनमर्जी का जरूरत नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पे, यहीं से उठाते हैं। सही भाई, देख cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, देख भाई cos इनवर्स ऑफ क्या चाहिए, cos ऑफ 7 पाई बाई 6। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, छोटे मोटे किसी भी पॉइंट पे कभी भी वीडियो देखने के बाद किसी भी जगह पे डाउट होता है तुरंत फोन मार, उसी वक्त उसको क्लियर कर। समझ में आ रहा है ना? ये जो कुछ कुछ बच्चे करते हैं, मैं बाकी क्लास में नहीं, बाकी क्लास में ये सर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद अपन जो है ना वो करेंगे, क्या पेज में लिख करके रखते हैं और उधर तब पूछेंगे। भाई उधर पूछेगा पता नहीं, भगवान जाने मेरे पास उतना समय होगा या नहीं, या फिर बार बार मेरे को भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार आपको बोलूं कि बार बार पूछा बार बार पूछा, पता नहीं ना कि हालात क्या होंगे, क्या बताओ, और शुरू ना हो तीन चार महीने ऐसे ही हमें पढ़ना पड़े, सेप्टेम्बर अक्टूबर तो क्या पता कैलकुलस पूरा पूरा ऐसे ही ऑनलाइन के थ्रू पढ़ना पड़े, आपको थोड़ी ना पता है। हालांकि आप देख सकते हो हर दिन केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अभी तो खुद के स्टेट में पढ़ना शुरू हो गया, नहीं आ रहा, तो समझना चाहिए आपको बात को, ठीक है ना? तो आपको ऐसा नहीं कि अभी बस आप कुछ कुछ बच्चे ना जी उसका इंतजार करते रहते हैं, अभी भाई हालात जो भगवान ने तुम्हारे को जिस हालात में डाला है उसी हालात में उसी हालात में रह करके काम करने का आदत बनाना ही आ रहा, ठीक है ना? अब जो जो आज की दुनिया में ना सक्सेसफुल वही होगा सक्सेसफुल जो सबसे ज्यादा चेंज को एक्सेप्ट करेगा। चेंज हो रहा है इतना दुनिया में, तो सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहिए ना, बाकी दो बच्चे नहीं पढ़ रहेगा। लॉकडाउन है तो क्या होगा, एग्जाम का डेट आगे शिफ्ट होगा, होगा ही नहीं होगा, होगा ना भाई? अगर क्लासेस वगैरह बंद है ऑफिशियली तो कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो, अनऑफिशियली अपन लोग पढ़ रहा है वो तो अलग बात है, ऑफिशियली तो कुछ पढ़ नहीं पा रहे हो ना, गवर्नमेंट के नजर में तो कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, तो बोलो एग्जाम का डेट को आगे कर बढ़ा भी देते, उस चीज के लिए बैठे रहोगे क्या? नहीं, आपको समय नहीं मिलता है रिवीजन करने का, हर बार ये बोलते रहते हो सर रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इधर नहीं हुआ। भाई अभी तो समय है, तो अभी तो कर ले कम से कम, नहीं आ रहा अभी तो जितना जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना तेरे लिए बेहतर है ना, उतना बाद में अगर एग्जाम डेट आगे भी गया ऑब्वियसली जनवरी में तो एग्जाम होने नहीं वाला, मेरे को तो नहीं लगता है, वो तो पेपर वन पेपर टू शिफ्ट तो होगा थोड़ा बहुत, आज इधर 2020 का जेई अगर शिफ्ट हुआ है 2021 का शिफ्ट नहीं होगा क्या? थोड़ा बहुत तो उधर एडजस्ट करना होगा ना, शिफ्ट करना ही होगा उधर, तो अगर शिफ्ट होता है तो आप समझ ही सकते हो ना कहानी, शिफ्ट अगर हो जाता है थोड़ा बहुत तो आपको रिविजन का समय मिल जाएगा, अगर अभी समय बर्बाद कर दिया तो जो शिफ्ट वाला समय है वो बर्बाद हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करने का, तो फायदा नहीं होगा कुछ, पूरा देश में सभी पढ़ ही रहे भाई, ये मैं सोचूं कि लॉकडाउन में सभी बैठे हुए नहीं भाई, सारे जगह पे क्लासेस चल रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ना वो पढ़ लेगा, अपना तरीका निकाल लेगा, ठीक है पढ़ ले भाई, पहले बता रहा हूँ पढ़ाई बहुत कम हो गया आप लोगों का, क्लास ट्वेल्थ का अगर बात करूं पढ़ लो, आखिरी साल में जिंदगी चेंज करने का, ठीक है अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, समझ में आ रहा है ना? अगर आज नहीं पढ़ सकते तो पूरा जिंदगी रोना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा ठीक है, कभी ना कभी तो काम करना पड़ेगा ना, ऐसे जिंदगी थोड़ी ना बिता दोगे भाई, पैसा कमाने के लिए कभी ना कभी काम करना पड़ेगा, समय पे काम कर लो बहुत स्मूथली चला जाएगा, ऐसे नहीं कि आगे मेहनत नहीं करना पड़ेगा आईटी चले जाओगे तो, नहीं बिल्कुल नहीं, बट एक अच्छा कॉलेज में चले जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, और उस जगह पे अगर मेहनत करोगे आप तो बहुत आगे जाओगे, जंप मारोगे, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक अच्छा कॉलेज में जाकर के अगर मेहनत कर लिए तो बहुत अच्छे जगह पे चले जाओगे, समझ में आ रहा है ना? बट एक गंदे जगह पे जाकर के कितना भी मेहनत करो उस लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो बैकग्राउंड नहीं मिलेगा, वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, तो कहां से करोगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, खैर ये सब फालतू बात है, बात में करेंगे अपन, अभी सवाल को देख लेते, cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाई 6, पहले बता क्या फंक्शन डिफाइंड है, मतलब क्या एक्सप्रेशन सही से निकलने वाला है, तुमको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि इस एक्सप्रेशन का डोमेन जो है वो क्या है, कॉस का डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉस बोलेंगे कुछ भी डाल कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, तो बेसिकली ये सेकंड प्रॉपर्टी वाला फंडा है। अब देख सकते हो ना टी इनवर्स टी, ठीक है, टी इनवर्स टी का वैल्यू ग्राफ से अपन निकालते थे, याद है, ग्राफ से निकालते थे, समझ में आ रहा है ना। तो पहले ये जज करेंगे कि ये नलायक जो वैल्यू है वो किस इंटरवल में है। आप देख सकते हो 7π/6, अगर 6π/6 होता तो पाई होता, तो ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन पाई है, मतलब पाई से थोड़ा आगे है। अभी एक चीज मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, वो कौन सा, उसी चीज से आप पूरा काम कहानी को खत्म कर सकते हो। वो कौन सा चीज, कि cos inverse of cos x will be x for all x belongs to 0 से पाई। ये अगर याद नहीं है तब ग्राफ कहां से बनाया गया, इतना सा फंडा तो याद रखना ही होगा ना। फिर तेरे को पता है कि cos inverse, sin inverse, sec inverse, cosec inverse, इन चारों में पीरियड 2 पाई होता है, वो जो ग्राफ बनाया था ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी 2 में, और tan inverse और cot inverse में पीरियड पाई होता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस जगह पे अगर पीरियड 2 पाई है तो अपन सीधा सीधा ग्राफ बना सकते हैं। अपन बोलेंगे कि सर 0 से पाई में ग्राफ क्या होगा, एक्स होगा, आपने तो अभी भी बोले एक्स होगा, उसके बाद जो होगा अगर पीरियड 2 पाई है, अगर पीरियड पाई होता तो इसके बाद से ही ऐसे रिपीटेशन हो जाता। अभी तो रिपीटेशन पीरियड 2 पाई है तो रिपीटेशन होगा नहीं, मतलब अगला वाला डेफिनेटली ऐसे होगा, कहां तक होगा 2 पाई तक होगा, समझ में आ रहा है। और ये जो वैल्यू है 7π/6 ये पाई से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इधर होगा, मतलब अगर इस लाइन का इक्वेशन मिल जाता है तो कहानी खत्म, समझ में आ रहा है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्लोप 1 है तो इसका स्लोप क्या -1, समझ में आ रहा है ना। और ये पॉइंट क्या है 2π, 0, तो इक्वेशन लिख देते y -y1 = m(x - x1, समझ में आ रहा है ना। तो 2π - x हो गया। अभी x का वैल्यू डाल, x कितना है 7π/6 है ना, आंसर कितना हो जाएगा 2π - 7π/6 दैट इज 12 - 7 दैट इज और क्या होता है भाई 5π/6। चलो आगे ना वैल्यू समझ में आ रहा है ना, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7π/6 रखने पे जो वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू क्या होगा 5π/6, जबकि मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 5/2। 5π/6 जो है वो आप देख सकते हो कि आपका सॉरी मैक्सिमम वैल्यू 5/2 क्या बोल रहा हूं, cos इनवर्स का रेंज पाई होता है, 5π/6 जो है वो पाई से ऑलरेडी छोटा है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से कर सकते हो कि मैंने ग्राफ को याद रखा था नहीं रखा था, क्या मैंने ग्राफ को याद रखा, मेरे को तो ग्राफ याद ही नहीं है, इक्वेशन भी याद नहीं, कुछ नहीं है, मैं तेरे को समझाया था शीट पे बना के दिया था, ये सब बुकिश काम है, बट दिमाग कुछ और ही सोचता है, समझ में आ रहा है, मेरा दिमाग जैसे सोचता है आपका दिमाग भी उसी प्रकार से आगे बढ़ाना है, ठीक है। मैंने याद रखा था कुछ कुछ नहीं रखा था, मैंने स्लोप से काम निकाल दिया, स्ट्रेट लाइन आता है ना, किस दिन के लिए स्ट्रेट लाइन सिखा था इसी दिन के लिए सिखा, हो गया था, समझ में आ रहा है। बट ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि टी इनवर्स टी का वैल्यू एक्स कहां पे होता है, किस इंटरवल में होता है, साइन के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स कहां पे होता है -π/2 से π/2 में होता है, इधर कहां पे होता है 0 से π में होता है, ये सारे जो छोटे मोटे बात है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर वो स्टार्टिंग जोन ही नहीं पता तो ग्राफ कहां से बनाएगा भाई, ठीक बात है। पीरियड पता है, स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट आता है, और ये फंडामेंटल लॉजिक है, खत्म, बात हो जाएगा यहीं से, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हो गया हमारा जेई का चीज, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, निकाल लेंगे, ठीक है। अभी बोर्ड वाले को संतुष्ट कैसे मैंने वो देख लेते, ठीक है, वो देख लेते। ये तो हो गया आंसर, तो 5π/6 पता हो गया ना आपको, बस अभी वो क्या बोलेगा पता है बोर्ड में, आंसर को कैसे लिखना, किस प्रकार का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला का क्वेश्चन कैसे करो, वो बोलेगा कि भाई तुम हमारे को एक चीज बताओ, मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा, वो बोलेगा देख भाई तुम्हारे तरह तो हमको इतना कुछ नहीं पता है, हमको इतना सा पता है कि cos inverse और cos x का वैल्यू x होता है कहां पे 0 से पाई में। तो बोलेगा कि इस वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री का वो जो ASTC रूल में जो ऑपरेशंस पढ़ता था ना क्लास 11th में, वो बेसिक ऑपरेशंस कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप इसको 0 से पाई में कन्वर्ट करा दो, बस हम खुश हैं और कुछ नहीं चाहिए, हम बोले बस इसको कन्वर्ट कराना वही काम है। तो वो बोलेगा बिल्कुल हाँ उसको कन्वर्ट कर दो और कुछ नहीं चाहिए। तो लोग का कन्वर्ट कैसे करें, cos थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को अपन ये लिख सकते हैं cos ऑफ -θ, लिख सकते हैं cos थीटा को अपन क्या क्या पॉसिबिलिटीज डाल सकते हैं वो पहले देख लेते हैं, cos ऑफ -θ लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। चलो आगे और सोचते क्या क्या लिख सकते हैं, और भाई क्या क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं, क्या cos π/2 + θ, π/2 3π/2 का ऑपरेशन तो करना ही मत क्योंकि cos विल चेंज टू sin, ठीक है ना, और यहाँ पे sin नहीं है यहाँ पे cos है, तो आप cos को क्या कर सकते हो पाई या फिर 2π में सोचना होगा, बट cos थीटा को अगर मैं cos π + θ या π - θ लिखो तब तो वो -cos θ हो जाएगा, जो कि सेकंड या थर्ड क्वार्टर में है, समझ में आ रहा है ना। तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास, 2π के पास, cos 2π + θ वो तो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा, वो तो बराबर है, वो तो लिखना ना लिखना बराबर है, ठीक है।
अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है cos 2 pi minus theta, because fourth quadrant में आएगा ना क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, समझ में आता है ना। अभी आप जरा ध्यान से देखो कि cos theta की जगह पे अपन क्या डाल रहे cos of minus theta डाल रहे हैं, डाल रहे नहीं डाल रहे भाई minus theta डाल रहे ना। अभी अपन minus theta पे डालते हैं तो 7 pi by 6 से ये वैल्यू, तो minus of 7 pi by 6 क्या हो जाएगा, वही तो जीरो से पाई के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये खुश रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये बोलेगा मेरा तो जो रेंज है वही जीरो से पाई तक रेस्ट्रिक्टेड है, हमें तो कुछ नहीं पता ग्राफ, हमें तो बस इतना सा फंडा पता है, इतना सा रटा दिया गया और इतना सा ही हमें पता है। तो हमारे हिसाब से आप करके दो ना, तो हमारे हिसाब से कैसे करेंगे, हम बोलेंगे इस x को हम तो cos inverse of cos x को x लिखेंगे तभी तो आंसर आएगा, और x कब लिख पाएंगे जब ये x इस इंटरवल में घुसेगा, माइनस थीटा लिखने से क्या घुसेगा, नहीं घुसेगा क्या, 2 पाई माइनस थीटा लिखने से घुसेगा, हाँ घुसेगा। तो इस cos थीटा को अपन आगे जाकर के क्या लिख देंगे, cos of 2 पाई माइनस थीटा, हो गया भाई 2 पाई माइनस, ये उल्लू की तरह वो मत बोल देना सर, ये तो हो जाता है 5 पाई बाई 16, अभी cos 7 पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 इक्वल होता है क्या, हाँ होता है ना भाई, cos थीटा को हमने cos 2 पाई माइनस थीटा लिख दिया, cos थीटा एंड cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल, समझ में आया। अभी ये क्या बन गया, cos inverse of cos 5 pi by 6 बन गया, और अभी बोलोगे ये 5 pi by 6 तो किस इंटरवल में है, तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 5 pi by 6, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका बोर्ड वाला सॉल्यूशन जहां पे 1 मार्क मिलेगा, और जे भी अगर आता है तो हमारा ग्राफ है, कुछ चिंता करने का जरूरत है ही नहीं, समझ आ गया, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे और कर पाओगे प्रॉपर्ली आप ऐसे, है ना। आगे सोचते चलो, आगे देखते चलो भाई, आज का क्लास काफी लंबा होने वाला है, काफी सारे क्वेश्चन मैं करा के दूंगा, ठीक है ना, तो पैसेंस रखिएगा, पता नहीं कितना पार्ट होगा, 2-3 पार्ट अगर हो जाता है तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, पर आना तो पड़ेगा ना पूरा, कल को लेक्चर वगैरह नहीं डालूंगा भाई, इतना सा पहले संभाल लो, ठीक है। आगे देखते चलो, tan inverse of tan 2 pi by 3 मैं नहीं करूंगा, आप कर लोगे, हाँ अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, cos of cos inverse √3/2 plus pi by 6, बोल दो सर इसको कैसे करेगा, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज ढूंढते इसको कैसे करेगा, डिस्कस वगैरह करते, क्या देख रहा है आपको यहाँ पे, cos के अंदर cos inverse अगर सिर्फ होता तब तो प्रॉपर्टी 1 tt inverse से आप काम निपटा देते, निपटाते ये नहीं बराबर निपटाते, समझ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि प्लस में एक और एंगल दे रखा है, cos inverse √3/2 itself is an angle, उसके साथ एक और एंगल एडिशन में है, तो ये क्या हो गया, दो एंगल का एडिशन और बाहर cos लगा हुआ है, तो दो एंगल का एडिशन और बाहर cos जब है तब उसको देखते ही आपको किसका याद आता है, cos a plus b का फॉर्मूला का याद आता है, खत्म बात, लगा दो cos a plus b फॉर्मूला, काम निपट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, cos a फिर cos b, समझ आया, ठीक है, माइनस sin ऑफ a और sin ऑफ b, बराबर सर, क्लियर है। अभी t t इनवर्स वो तो अगर याद है प्रॉपर्टी 1 cos ऑफ cos इनवर्स x का वैल्यू x कब होता है, हमेशा होता है इन इट्स डोमेन, दैट इज -1 से 1 में, और उसके बाहर अगर वैल्यू है तब तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा क्योंकि डोमेन सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो √3/2 मैंने को जहां तक लगता है कि -1 से 1 के अंदर है, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, √3/2 लिख सकता हूं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, और cos pi / 6 का वैल्यू क्या होता है भाई, इतना तो ज्ञान होगा ना भाई, ये भी √3/2 होता है, समझ में आ रहा है। अभी देख साइन और कॉस इनवर्स इसको कब सॉल्व कर पाऊंगा, जब इस कॉस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो साइन और साइन इनवर्स प्रॉपर्टी 1 लग जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी मेरा काम क्या है, इस कॉस इनवर्स को क्या करो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। इस कॉस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा, यूजिंग ट्राइंगल। मैंने बोला था कि अगर आपका नोट में बताया था लास्ट क्लास में, याद है कि अगर आपका एक्स अंदर वाला पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आप ट्राइंगल लगा करके, राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करके आप क्या करो, साइन इनवर्स में इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो एक और चीज लिख के दिया था, बट वो याद रखने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था कि अगर नेगेटिव है तो पहले प्रॉपर्टी 3 लगाओ, लगा करके इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, कॉस माइन, अगर यहाँ पे -√3/2 होता तो क्या लिखते सबसे पहले, कॉस पाई माइनस, है ना, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो उसको लगाने के बाद ये cos inverse x जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, sin pi minus theta will be sin theta, तो ये वापस हम ट्रायंगल लगा करके कर लेते हैं। मुद्दे का बात है कि अगर नेगेटिव रहता है प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करके पहले पॉजिटिव बनाएंगे फिर अपना काम करेंगे ट्रायंगल वाला, और अगर पहले क्या रहता है पॉजिटिव रहता है तब तो डायरेक्ट करो, कोई इशू नहीं, ठीक है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते भाई, समझ में आ रहा है। रूट थ्री टू कॉस ऑफ किसका वैल्यू है, कॉस ऑफ किसी ना किसी एंगल का वैल्यू है, कॉस ऑफ किसी ना किसी एंगल का वैल्यू है रूट थ्री बाई टू। अभी रूट थ्री क्या होता है भाई, बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये अगर बेस है ये अगर हाइपोटेन्यूस है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, वन होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है जानी। और इसको अपन मान लेते थीटा, तो अभी इसको किस में लेकर के जाना है, साइन में लेके जाना है ना, तो साइन थीटा निकालना होगा। इसी साइन थीटा को अपन यहां से साइन थीटा क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हाफ होगा, तो इसी थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स हाफ, दैट इज ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ हो जाएगा। और इधर साइन पाई बाई सिक्स सबको पता है भाई कितना होता है, हाफ होता है, हो गया जानी, ठीक है। अभी देख टी टी इनवर्स ये माइनस वन से वन के अंदर है, तो प्रॉपर्टी कौन से क्या लगा सकते हो, ये तो हो जाएगा थ्री बाई फोर माइनस ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू हाफ वन बाई फोर, जो कि आंसर आ जाएगा आपका हाफ, समझ में आ रहा है, क्लियर है पक्का। एक आध क्वेश्चन को देख करके ना दूसरे तीसरे क्वेश्चन याद आता है तो बता देता हूं एक साथ, बाकी खेल आगे आपको मिलेगा, ठीक है, शीट करेगा तो पूरा तैयारी कंप्लीट है, और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिमाग में आया था, हाँ दिमाग में ये आया था कि अगर यहां पे ये होता साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू तो अपन क्या करते, समझ में आ रहा है। तो अगर साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव हो जाता ना यहाँ पे, तो अपन सबसे पहले क्या करते, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख देते, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है। अभी आप जानते हो साइन पाई माइनस थीटा ये तो एंगल है, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा ही होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे, खत्म बात, ठीक है ना। देखो ये दोनों चीज अल्टीमेटली क्या आ गया, सेम आ गया, अभी इसको आप सिमिलरली सॉल्व कर हो जाएगा काम, समझ में आया ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से आप अगर ऐसा पैटर्न अगर आपको दिख जाता है कहीं पे तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, वो मैं आपसे करता हूं, ठीक है। चलो इसके और आगे की ओर बढ़ते, इसी के साथ साथ देखते हैं आगे क्वेश्चंस किस प्रकार से। सब्जेक्ट जो है एक बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है यार, ठीक है, इसमें तो मैं तेरे को तभी सिखा सकता हूं अगर तू क्वेश्चन करना सीख गया, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट पढ़ाना इसीलिए हो जाता है, पता है नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी वगैरह काम नहीं आता ज्यादा, ठीक है। जो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसका उतना ही ज्यादा मैथ स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तेरा परफॉर्मेंस, तेरा आईडी का नंबर, तेरा बोर्ड में 100 में 100 सारा चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि तूने प्रैक्टिस किया है। वो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी जैसे फर्जी किताब और 10 उठा ले और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन धराधर करते, नहीं, उससे सिर्फ बोर्ड में तैयारी होगा। अगर तू अच्छे एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहता है, अच्छे से गणित में आईटी में नंबर लाना चाहता है 80% के ऊपर, तो तेरे को अलग अलग क्वेश्चन अपने सामने से गुजारना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपने सामने से निकालोगे तैयारी हुआ पूरा। चलो आगे देखते हैं साइन इनवर्स साइन टेन, ये भाई अगले लास्ट क्लास में बता के दिया था ना साइन इनवर्स साइन टेन, टेन क्या होता है, थ्री पाई से थोड़ा वैल्यू आगे होगा, तो थ्री पाई से अगर वैल्यू आगे है तो मैं जैसे सोचता हूं साइन इनवर्स से तो पीरियड टू पाई होगा, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में क्या होगा, एक्स होगा ग्राफ, और फिर पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू में क्या होगा, वो नेगेटिव स्लोप वाला होगा ना। अभी भूल जाते हो क्या तुम लोग, पढ़ा के तो दिया था सब कुछ, ऐसे हो जाएगा ना ग्राफ, ठीक है। तो उस प्रकार से आगे भी ऐसे हो जाएगा, आगे भी ऐसे हो जाएगा। ये वैल्यू तुमको पता है पाई है, ये वैल्यू पाई है क्या, नहीं, ये वैल्यू है पाई बाई टू, ये वैल्यू है पाई, ये वैल्यू है थ्री पाई बाई टू, ये वैल्यू है टू पाई, ठीक है ना। फिर ये वैल्यू हो जाएगा फाइव पाई बाई टू, ये वैल्यू हो जाएगा थ्री पाई, थ्री पाई से आगे होगा मतलब इस जगह का ग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। तो इस जगह का ग्राफ क्या हो जाएगा, स्लोप तो माइनस वन, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, थ्री पाई कॉमा जीरो वाला पॉइंट से पास कर रहा है, और स्लोप में माइनस वन, इक्वेशन निकाल दो, टेन का वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह पे, वाई जो मिलेगा वही हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टेन का आंसर। जेई मेन 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्लास में उसका है, गौर से नजर करो, दे दीजिएगा एक्सरसाइज फोर। चलो आगे सोचते, अगला क्वेश्चन टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ माइनस सिक्स, ठीक है कर देंगे, चलो सिक्स वाला देख लो, सिक्स वाला देख लो, टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ माइनस सिक्स, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से सोचें तो पहले टेन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस टेन थीटा, फिर ये माइनस किसको परेशान करेगा, पहले टेन को कर रहा था, टेन इनवर्स को करेगा, टेन इनवर्स बोलेगा भाई टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, प्रॉपर्टी सिक्स, सॉरी प्रॉपर्टी थ्री, ठीक है।
तो अभी ये क्या हो गया, टेन इनवर्स ऑफ टेन सिक्स हो गया, इसका लाइन भी निकालना है। सिक्स किसके आसपास होता है, टू पाई से थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज टू पाई हो जाएगा 6.28, उससे थोड़ा सा कम होगा। क्या उससे थोड़ा सा कम है तो डायरेक्टली आंसर एक्स आ सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इतना सा पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x का वैल्यू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ऑफ है, याद है ना। और इसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो बनाने ग्राफ जैसे सोचा पिछला वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार से ये वाला, बस इतना सा पता है। उसके बाद और ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि इसका पीरियड पाई है ना, तो पाई इंटरवल तो हो चुका है, आगे अभी रिपीट मारेगा, आगे अभी रिपीट मारेगा। अभी देख लो ये जो स्थिति है ये कहां है, 2π, तो ये वैल्यू क्या है आपका, पाई है। फिर ये हो जाएगा 3π/2, तो ये हो जाएगा 2π, 2π से पहले मतलब इधर हो जाएगा आपका 6, ठीक है, ये तो 2π है ना, तो इससे पहले हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर एक्स है, इधर तो स्लोप वगैरह भी करना नहीं है, इधर तो सारे चीज का स्लोप 1 ही है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आ जाता है, याद है ना। तो इधर अगर जाएंगे तो x माइनस ए होता है, और इधर अगर आएंगे तो x प्लस ए होता है, उल्टा होता है, याद है ना। तो x माइनस ए अगर होता है तो ये क्या होगा, x माइनस पाई होगा, ये क्या होगा, x माइनस 2π होगा। तो 6 का वैल्यू डालो, है ना, 6 का वैल्यू डालो तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 6 माइनस 2π होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 6 माइनस 2π, दैट इज 2π माइनस 6 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट ये लॉजिक तो बोर्ड में नहीं चलेगा, अगर बोर्ड में आता है तो क्या करेंगे, यहां से आप बोलोगे टेन थीटा को अपने रेंज में घुसा करके दिखा, अपने रेंज मतलब इस इंटरवल में घुसा के दिखा, समझ में आ रहा है ना। मैं बोलूंगा टेन थीटा को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, एक तो मैं लिख सकता हूं π/2, 3π/2 तो यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कॉट हो जाएगा। एक मैं लिख पाऊंगा टेन पाई प्लस थीटा, सही है, टेन पाई प्लस थीटा और टेन थीटा बराबर है, टेन पाई माइनस थीटा भी नहीं लिख सकता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं, और कोई ऑप्शन यहां से दिख रहा है क्या, अगर अपन ध्यान से सोचे तो और तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अगर और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ये पाई प्लस 6 होगा, बट पाई प्लस 6 अगर होता है तब तो ये पाई बाई 2 को एक्सीड कर देगा, कोई फायदा नहीं होगा हमारा। तो अपन यहां पे क्या करते हैं, इसको अपन यहां पे करते हैं एक काम करते, चलो इस माइनस को बाहर नहीं निकालते, अंदर ही रख देते हैं, इसको अंदर ही रख देते हैं, और रख करके ना क्या कर सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ माइनस टेन थीटा है ना, तो माइनस टेन थीटा अगर आपको चाहिए तब तो आप टेन पाई माइनस थीटा भी लिख पाओगे, बट पाई माइनस थीटा अगर रखोगे तो पाई माइनस 6 कितना देगा आपको, पाई है 3.14, माइनस 6 करोगे तो लगभग आपको 2.8 के आसपास आएगा, बट ये तो 1.5 से नहीं होता है, नहीं घुसेगा, पाई माइनस थीटा भी इस रेंज में नहीं घुसेगा, तो अभी 2π का सहायता लेना पड़ेगा। 2π प्लस थीटा अगर करते भाई 2π प्लस 6 ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट अगर मैं 10 2π माइनस थीटा करता हूं तब भी उसका वैल्यू माइनस 10 थीटा आता है, और 2π माइनस 6 करेंगे तो इस इंटरवल में घुस जाएगा, इसीलिए मैं इस माइनस 10 6 को क्या लिख दूंगा, 10 2π माइनस 6 लिखूंगा, हो जाएगा ना काम खत्म, समझ में आ रहा है। तो 10 इनवर्स ऑफ 10 2π माइनस 6 हो गया, ठीक है। तो 2π माइनस, ये देखो 10 2π माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस 10 थीटा। तो इस चीज को मतलब बोर्ड वाले तरीके से जब आप करोगे ना बोर्ड एग्जाम में, तो इस जगह से ये जगह जो बनाना वही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करता हूं, ये तो आपको पता है, उल्टा दिमाग तो आपको पता ही है, यहां से ग्राफ से पहले भी आंसर निकाल दो फिर अकॉर्डिंगली आप अंदर लिख दो, समझ में आ रहा है ना। ग्राफ से मैं तो, मेरे को तो ये सब करने में थोड़ा सा दिक्कत वगैरह हो जाता है कभी कभी, समझ में आ रहा है ना। ये सोचना जो है, ये सोचेगा कौन, फालतू तो दिमाग कौन लगाएगा, इतना समय है ही नहीं, तो सीधा सीधा ग्राफ से चुपचाप छुप करके आंसर निकाल लो और ये चीज इधर घुसा दो, समझ में आ रहा है, और कोई सोचना ही है, ग्राफ से आंसर घुसा दो, आपको पता है यहाँ पे जो भी होगा वो इस इंटरवल में होगा, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा वो डायरेक्टली थीटा लिख देंगे, एग्जामिनर भी खुश आप भी खुश, समझ में आ रहा है ना। ये देखो, और लॉजिक अगर देखोगे तो इस प्रकार से सोच सोच के ला सकते हो, समझ में आ रहा है ना। अगर आप बोलोगे नहीं तो हम कोई ईमानदार है, तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो, सोच के लाओगे, माइनस टेन थीटा को अपने टेन ऑफ 2π माइनस थीटा सोचे, ठीक है। तो ये इस इंटरवल में घुस गया तो प्रॉपर्टी लगा करके आपने लिख दी, हो गया काम। चलो आगे सोचते, आगे अगर मैं करूं तो कौन सा क्वेश्चन करूं, सारे रद्दी सवाल है। दस दस वाला बता दो ना, क्या दस वाला बता देता हूं, हो जाएगा, बाकी तो कर लेगा तू,
ना, बाकी तो कर लेगा आराम से, 10 बोलू या फिर 12-13 बोलू, दो ही बच रहा है बचने बोलने लायक, 10 बोलू या 13 बोलू भाई, 10 बोलू या 13 बोलू, बोल दो बोल दो बोल दो, ठीक है चलो 13 बोल देता हूँ, 13 बाकी कर लोगे, वैल्यू निकालना सीख गया ना अभी, बस खत्म, और क्या चाहिए। हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, खाना वाना खाते हो ना, या फिर पढ़ने के बाद जब रेस्ट लेते हो, ऐसे मूवी जैसे देखते हो ना लेट लेट के, देख लीजिएगा छाट छाट के, सारे चीजें से वर्बली सॉल्व कर दोगे ना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है कर लीजिएगा थोड़ा पेन पेपर लेकर के, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है डिस्कस कर लीजिएगा हमारे साथ, फास्ट मत कीजिएगा, ठीक है। चलो ये है सवाल, कैसे करो बोलो तो, पहले जो सर cot inverse of minus x, बोलिए माइनस x है ना, cot inverse of minus x को हम क्या करेंगे, पाई माइनस ऑफ cot inverse x, ठीक है, फिर tan ऑफ, ठीक है, फिर tan ऑफ क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो गया भाई, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, अभी तो ये पॉजिटिव है तो ट्राइंगल लगा दे डायरेक्टली, cot inverse क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, रूट 30, तो 10 में कितना चाहिए, cot inverse ट्राइंगल लगाने का भी जरूरत है ना, प्रॉपर्टी को डायरेक्ट लगा सकते हो, बिकॉज अगर x आपका पॉजिटिव है तो डायरेक्टली आप cot inverse x को क्या लिख सकते हो, tan inverse 1/x, याद है ना, प्रॉपर्टी 4 का फर्स्ट पार्ट tan inverse के लिए 2 था, याद है, एक और जगह पे माइनस पाई प्लस cot inverse x आ जाता है जब x लेस देन 0, ये सारे चीज दिमाग में चमकना चाहिए, देखते ही क्लिक होना चाहिए, अगर ये सब क्लिक नहीं हो रहा है तब तो रामायण रच लोगे अच्छे से, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3/2 जाएगा, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे तो बस अप्लाई किया प्रॉपर्टी 4 या फिर ट्राइंगल से आप कर सकते हो, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया और फिर प्रॉपर्टी 1 लगा दिया, खत्म, tan ऑफ tan इनवर्स थीटा, तो थीटा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r होता था, याद है ना उसका ग्राफ ऐसे बनाया था, ठीक है, लेकिन बाकी sec और sec इनवर्स में ऐसे बनाया था ग्राफ, तो किसी में ऐसे बनाया था, याद है सारा फंडा याद है, ठीक है, इस प्रकार से आप चीजों को करता है ना भाई, चलो कभी कभी ना इस प्रकार से भी आपको दिया जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कोई वैल्यू है ना, यहाँ पे बीच में सॉल्व करते वक्त आपको मिलेगा ऐसे वैल्यू, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने कोई क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं लिखा, बिकॉज सिंपल होता है एकदम फॉर्मेट जो है, तो ऐसे वैल्यू जैसे मान लो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, ठीक है, ये निकालने में परेशानी होगा क्या आपको, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, या फिर मान लो साइन इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स लिख देते हो तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक है ना, तो इस टाइप की वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से, कैसे निकालोगे, बोलोगे सर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, पहले तो माइनस का झंझट खत्म करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा पॉजिटिव बना दिया, फिर इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, ये क्या डाल सकते हो, कॉस पाई बाई 6, और आपको पता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू थीटा होता है इंटर इंटरवल 0 टू पाई, ये 0 टू पाई में है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर ही सकते हो, इसलिए मैंने नहीं उठाया, ठीक है, तो ये सारे हो गया हमारा है ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है, 2 जो है वो तो बिल्कुल नहीं करूंगा, होमवर्क में रहेगा, 3 करके दूंगा, 3 का कोई भी एक पार्ट, ठीक है, 3 का पहला पार्ट कर देता हूँ, है ना, सोचने का प्रयास कर वाला, वीडियो को पॉज कर भी, पॉज करके 3 का 1 जो है वो खुद से ट्राई कर एक बार, फिर मेरा सॉल्यूशन देख, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार की क्वेश्चन तेरे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट अगर मुलाकात होगा तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में होगा, ठीक है, क्योंकि जेई अभी मुझे नहीं लगता है कि मेंस वगैरह पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कभी किसी पेपर में, एडवांस कभी नहीं पूछेगा ये सर, ठीक है, अब देख सकते हो ध्यान से सवाल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, अब देख सकते हो उसके लिए ना मैं 2 वाले को बता देता हूं, 2 वाला जब तक नहीं करेंगे ना तो उसका फील नहीं आ रहा है, ठीक है, उसका फील नहीं आ रहा है उस लिहाज से, या फिर मैं समझा देता हूँ, तो चलो समझा देता हूँ, तो फालतू में 2 वाला आपका जो आप कर सकते हो वो उठा करके फायदा नहीं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना, हाफ cot inverse क्या है भाई, -3/4, देखना जरा देखना सवाल का खूबसूरती, देखना और एहसास करना उसको, ठीक है, चलो देखो, अगर अपन ध्यान से देखना तो अगर सर कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होता है ना, अगर कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होता है कि साइन ऑफ डायरेक्ट cot inverse -3/4, तो आपको बड़ा मजा आता है,
अब तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे इसी प्लेटफॉर्म में था, याद कर, इसी प्लेटफॉर्म में था। अभी क्या है कि इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दी हमने, वो लाइन क्या है, यहां पे कुछ मल्टीप्लायर लगा दिया। मान लो यहां पे 2 लगा देता हूं, ठीक है, मान लो यहां पे 2 लगा देता हूं, तो भी ना गुरु बच्चा हिसाब लगा करके कर लेगा उस चीज को। कैसे करेगा पता आपको, वो बोलेगा सर आपने यहां पे 2 लगा ना, अभी कुछ भी लगा दो 7, 8, 10, 11, 100 लगा दो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सवाल रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए, तब आपको कैलकुलेटर की जरूरत हो जाएगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा खुद सोचोगे, मतलब मैं डिस्कस करूंगा यार बोलने दे। साइन ऑफ 2 cot inverse माइनस 3/4, ठीक है, अगर 2 लगा दूंगा तो कोई भी बच्चा बोलेगा सर मैं कर सकता हूं, बोले कैसे, cot inverse को tan inverse में लेके चला जाऊंगा, फिर 2 tan inverse का फॉर्मूला हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो वो मल्टीपल फॉर्मूला वगैरह याद करके इस कहानी को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देगा। और साइन ऑफ साइन इनवर्स जब भी आपको मिल जाता है आप बिना कुछ सोचे डायरेक्टली एक्स लगा देते हो, बिकॉज t ऑफ t इनवर्स इज ऑलवेज एक्स इन इट्स डोमेन। क्लियर है कहानी, समझ में आ रहा है ना, तो ये निपट जाता। अगर 2 होता ठीक बात है, अगर यहां पे 3 होता तो भी काम नहीं चलता, समझ में आ रहा है, अगर 4 होता तो 2 बार 2 × 2 करके तो काम चला लेता, नहीं पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में लेके जाता, फिर वापस 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स में, समझा, 4 है मान लो, समझ में आ रहा है ना, 4 है मान लो, 4 अगर है तो 2 × 2 cot इनवर्स है। अभी इस 2 cot इनवर्स को पहले तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, प्रॉपर्टी 4 लगा करके, फिर 2 tan इनवर्स किस में चला जाएगा, फॉर्मूला लगा करके प्रॉपर्टी नंबर 10 याद करो, 2 tan इनवर्स को इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लेके चला जाऊंगा, फिर ये जो 2 tan इनवर्स ओवरऑल बन गया ना, इसको किस में लेके चला जाऊंगा, sin इनवर्स में, तो ये sin के अंदर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स ऑफ समथिंग, जिसका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको काफी सारे फॉर्मूले वगैरह याद रखने पड़ेंगे, मैं तो उतना फॉर्मूला याद नहीं रखता हूं, तो मैं अगर इस क्वेश्चन को करूं तो कैसे करूं, या फिर सोचो ना, यहां पे अगर 4 होता है तो ठीक है, अगर यहां पे हाफ हो जाए तो आप क्या करोगे, हाफ cot inverse या हाफ tan inverse, हाफ cos inverse, 2 cos inverse, 3 cos inverse, 2 tan inverse, 3 tan inverse, ये सब सिखाया, हाफ cos inverse, हाफ tan inverse, ये सब का कोई प्रॉपर्टी था क्या, नहीं था ना, तो उधर कैसे बचेंगे, नहीं आ रहा, एक ऐसा तरीका निकालते जो इधर भी सॉल्व कर दे और इधर भी सॉल्व कर दे बिना फॉर्मूला याद किए, बेसिक नॉलेज के साथ, समझ में आ रहा है ना, तो बेसिक नॉलेज जो अपन जिस प्रकार से सोचते हैं ना, फॉर्मूला बाजी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ में आ रहा है, इतना याद रहता है हमारा मेमोरी बड़ा खराब है, समझ में आता है ना, फॉर्मूला बाजी तो हम करते नहीं, बट आप ऐसा मत करो, हम फॉर्मूला बाजी करते नहीं क्यों, कभी की जरूरत हो जाएगा, सीट वीट है भाई देख लेंगे, आपको कौन याद दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है, उधर तो हम होंगे नहीं, अगर हम होते तो अलग बात होता, तो पूरा पेपर ही बताता, ठीक है, चल, तो साइन ऑफ एक ऐसा तरीका हम सोच करके निकालते हैं ताकि यहां पे हाफ हो या फिर 2 हो, 1/3 हो या फिर 3 हो, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर निकालेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी बोलेगा सर कुछ 100 होगा तो क्या करोगे, साइन ऑफ 100 cot इनवर्स, भाई उतना करने का क्षमता नहीं हमारे अंदर, क्यों, क्योंकि 100 को आप समझ सकते हो कि कितना बार तो होना पड़ेगा, पहले तो आप 50 × 2 करोगे, फिर 2 tan इनवर्स को सॉल्व करके tan इनवर्स में लाओगे, फिर 50 को 25 × 2 लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, फिर 25 को आपको 5 × 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 tan इनवर्स का फॉर्मूला, मतलब उधर मेहनत है काफी, आप समझ सकते हो, अगर यहाँ से वैल्यू पूछा जाता है, ऐसे थोड़ी ना कि जैसे मान लो रेंज निकालना सिखा दिया तो x^1 करोड़ बाई x^2 करोड़ उसका रेंज निकाला, अरे भाई एक ह्यूमन ब्रेन एक हद तक सोच सकता है ना, उसी के अंदर सवाल पूछा जाता है, तो सवाल में जो सीखने का चीज मिल रहा है, हाँ निकाल सकते हैं, समय दे तो निकाल सकते हैं, बट उस टाइम लिमिट के अंदर वो चीज नहीं होगा, समझ में आ रहा है, उस टाइम लिमिट के अंदर 2, 3, 4 ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल 4 तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, तो देखते हैं अपन किस प्रकार से, मुद्दे का बात तो ये नहीं था, बात ये था कि कैसे इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, है ना, कैसे इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे एक ही तरीके से बिना किसी फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि फॉर्मूला इधर लग रहा है इधर नहीं लग रहा है, देख रहे हो ना, तो अगर इस चीज को मैं फॉर्मूले से बता दूंगा उसको वापस उसी तरीके से बताता हूं कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो एक ही चीज अपनाओ, बिना फॉर्मूला रटे काम चलाओ, समझ में आ रहा है, ठीक है, बिना फॉर्मूला रटे मतलब वैसे नहीं कि सर ने बोला फॉर्मूला याद नहीं करना हम तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको याद रखना ही है, ठीक है, कब जरूरत आएगा मैं भी नहीं जानता, ठीक है, चलो एक काम करते मान लेते ना, मान लेते ये अंदर वाला चीज जो है वो थीटा मान लेते इसको, अपने आप में तो ये कोई एंगल ही है ना, थीटा मान लेते इसको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये मान लो cot inverse और -3/2, जैसे इसको मैंने थीटा माना तो थीटा के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन आ गया, बोलो क्या, कि थीटा 0 से π के बाहर कुछ नहीं हो सकता है, cot inverse का रेंज क्या है, 0 से π ही तो है ना,
विश्वास नहीं भाई, हम खुद से भी नहीं गिनते हैं। जीरो से पाई नहीं होता है, इतना तो याद होना चाहिए भाई हमें, नहीं तो मास्टर किस बात के लिए। जीरो से पाई पार्टी पर रेंज ही मिशी है यार लाख में भाई, जीरो से पाई है लिख देना खुद से, ठीक है जीरो से पाई है, ठीक है ये सब थोड़ा बहुत हो जाता है यार, थोड़ा समान हो जाएगा। चल जैसे मैं इस चीज को थीटा मान लेता हूं तो थीटा का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट होकर के जीरो से पाई में घुस जाता है, इतना आपको पता है, ठीक है। तब ये अगर थीटा जीरो से पाई में घुस रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से, आप ध्यान से देखो ना सर, यहां से क्या अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो ध्यान से आप सोच के बोलो, ठीक है क्या निकाल सकते हैं कि सर थीटा अगर कॉट इनवर्स ऑफ दिस है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन दोनों तरफ कॉट ले सकते हैं क्या सर, दोनों तरफ कॉट ले सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सर बराबर ले सकते हो, लेके दिखाओ ना, ठीक है तो अपन ले लिए मान लो, ठीक है। अभी ये cot थीटा का वैल्यू अपने को क्या मिल रहा है, cot of cot inverse this, जो कि क्या आ जाएगा माइनस 3/4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्लियर। तो cot थीटा का वैल्यू क्या हो गया माइनस 3/4 आ गया, बिकॉज cot of cot inverse x is x for all x belongs to r, ठीक है माइनस 3/4 ये तो है ना, तो cot थीटा अपने को मिल गया, cot थीटा अगर मिल गया तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan थीटा भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्लियर। अगर आपने थीटा इसको मान ली, सोचना बात को ध्यान से, अगर आपने इसको थीटा मान लिए तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा बाई टू, खत्म बात। मतलब क्या कि अगर आप साइन थीटा बाई टू निकाल दिए तो इसका वैल्यू आ गया, और क्या आप इस रिलेशन से साइन थीटा बाई टू नहीं निकाल सकते, बराबर निकाल सकते हो कोई इश्यू नहीं है उसमें, समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है, डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो ना साइन थीटा बाई टू, कैसे फॉर्मूला लगा इसको क्या करो टेन टू इंटू थीटा बाई टू लिख दो माइनस 4/2, फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना क्या होता था यार, खुद ही भूल गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, कोई फॉर्मूला था क्या भाई इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, तो कोई फॉर्मूला नहीं था सर, tan थीटा के टर्म में था, ठीक है tan थीटा निकाल लेते यार, आपको अगर याद है ना तो डायरेक्टली sin थीटा में लिख देना तो फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली sin थीटा के फॉर्मेट में लिख देगा तो वहीं से सॉल्व होकर आ जाएगा, अदरवाइज अगर मेरे को तो जो फॉर्मूला याद आ रहा है वो मैं लिख के करता हूँ बाद में, मैं ऐसे ही कर लूंगा, ठीक है अगर तुमको याद है तू कर देना, मेरे को याद नहीं है ये सब, ठीक है। तो 2 tan थीटा / 2 डिवाइडेड / 1 - tan square थीटा / 2 यही होगा शायद tan 2 थीटा, ठीक है वैसे निकाल ही लेते ना, क्या इतना परेशानी है, ये हो जाएगा तेरा sin 2 थीटा / cos 2 थीटा है ना, तो ये हो जाएगा तेरा 2 sin थीटा * cos थीटा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 tan square theta by 2 minus 4 is equal to 6 tan theta by 2, मानते हो बराबर। अच्छा पहले उड़ा देते ना इस चीज को तो थोड़ा सा कम हो जाता, तो ये 2 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, इन लाइक 3 बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 2 tan square theta by 2 minus 3 tan theta by 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो ये हो गया आपका 2 इनटू माइनस 2 माइनस 4, तो इसको माइनस 4 प्लस 1 लिख देते, तो ये हो गया 2 tan square theta by 2 minus 4 tan theta by 2 plus tan theta by 2 minus 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज हो गया। बोले सर कैसे हुआ, क्या फैक्टराइज हुआ समझा के, दो फैक्टर बना दे, 2 tan theta by 2 प्लस 1 का एक फैक्टर बना और दूसरा बन गया आपका tan theta by 2 minus 2, सही बराबर 0, आंसर क्या मिल रहा है tan theta by 2 का वैल्यू minus half, दूसरा आता है 2। अभी जरा ध्यान से देख, अभी तेरे को रिजेक्शन भी करना पड़ सकता है क्योंकि थीटा का वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है, थीटा का वैल्यू अगर 0 से पाई है तो थीटा by 2 कहां से कहां तक है, 0 से पाई by 2 तक, बन रहा है नहीं बन रहा, थीटा का वैल्यू 0 से पाई है तो थीटा by 2, ये एंगल तो थीटा by 2 है ना, इसके लिए तो सोचना है ये 0 से पाई by 2 हो गया, और याद करो tan ऑफ थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना, क्योंकि अगर एंगल 0 से पाई बाई 2 में है तो tan का ग्राफ हमेशा एबव एक्सिस होता है, याद दिलाओ, अरे ये सब याद दिलाना पड़ रहा है तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है आपको, समझ में आ रहा है ना क्लियर है। ये देखो tan का ग्राफ 0 से पाई बाई 2 के अंदर जब भी इसका एंगल है वैल्यू एबव एक्सिस है, तो tan थीटा बाई 2 हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होता है तो इसमें लाइक को हटाएंगे आप, तो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, ब्रैकेट में रीजन लिख दोगे सिंस थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ऊपर लिख देना एज थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये तो एग्जामिनर समझ लेगा, ठीक कोई बात नहीं, tan थीटा बाई 2 का वैल्यू मिल गया। अभी tan थीटा बाई 2 अगर मिल जाता है तो क्या निकालना है sin थीटा बाई 2 निकालना है, कौन सा बड़ा काम है, तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ रहा है क्या,
तो क्या करेंगे, टेन थीटा बाई टू अगर हमें मिल गया तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा बाई टू अगर आ गया, टेन थीटा अगर मिल गया तो आप डायरेक्टली वो कर दो, है ना, इसको टू है ना, तो टू है और परपेंडिकुलर बाई बीच होगा, टू को टू बाई वन देख सकते हैं, ये टू हो गया, ये वन हो गया, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा रूट फाइव, समझ में आ रहा है। तो टेन थीटा बाई टू अगर टू बाई वन है तो साइन थीटा बाई टू, देख टेन थीटा बाई टू टू है ना, मतलब क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है, या तो फर्स्ट या तो थर्ड क्वार्टर में होता है, और थीटा बाई टू का वैल्यू कहां से कहां था कि जीरो से पाई बाई टू में है, मतलब थर्ड क्वार्टर का केस हट गया, कहां पे होगा, फर्स्ट क्वार्टर में होगा, और अगर फर्स्ट क्वार्टर में है तो साइन का आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो डायरेक्टली इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, कितना ये हो गया टू, ये हो गया वन, तो टेन थीटा बाई टू टू बाई वन हो गया, ये रूट फाइव हो गया, पाइथागोरस से निकाल दिया, तो साइन थीटा बाई टू कितना हो जाएगा, टू बाई रूट फाइव, ठीक है, और साइन थीटा बाई टू है जो है वही हो जाएगा आपका हाफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू टू बाई फोर। आंसर मैं इसको देख लेता हूं, आंसर कहां गया, हाँ 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 आंसर मैच बराबर, समझ आया आपको पक्का, तो इस तरीके से ना आप जो है वो कहानी जो है उसको अंजाम दे सकते हो और उस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मैं तो चाहता हूं कि आप उसी तरीके से करें जैसे हम करते हैं, अगर आप फॉर्मूला मुझे करना चाहते हैं तो इस जगह पे कर सकते हैं, इस जगह पे हाथ ऊपर करना होगा, इस जगह पे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचता, क्योंकि हाफ क्वार्टिकल्स का कोई फॉर्मूला आपको सिखा के नहीं जाएगा। अगर आप खुद मैथमेटिशियन हो और समय काफी ज्यादा है आपके पास तो खुद से आप फॉर्मूला निकाल कर करके रट रट के रख सकते हो, बट ऐसे कोई गणित नहीं सिखाता है, ठीक है। तो ये कहानी भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, आप जानते हो कि अगर इस चीज को आप थीटा मान रहे हो तो यहाँ पे टेन थीटा मिलने के बाद आपको क्या निकालना पड़ता, अभी तो टेन थीटा बाई टू निकालने के लिए कैलकुलेशन इतना करना पड़ा, बट तब के बाद अगर ये क्वेश्चन आता तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ता, टेन थीटा से साइन टू थीटा निकालना पड़ता, और आप अच्छे से जानते हो साइन टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा क्या हो जाता है, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस नहीं वन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो भाई मेरे को फॉर्मूला वगैरह ज्यादा याद नहीं है, ये हाँ यही होगा, ये होता है जहां तक याद है, टू साइन बाई कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू साइन बाई कॉस, हाँ ये होगा फॉर्मूला, तो साइन टू थीटा, अगर ये क्वेश्चन होता तो आपको साइन टू थीटा निकालना होता, तो साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा करके टेन थीटा का वैल्यू तो मिल ही गया था, तो यहाँ से डायरेक्टली एक स्टेप में आ जाता, बट ये क्वेश्चन हाफ थीटा वाला था तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे यूज करने के लिए आपको मजबूर कर दिया क्वेश्चन, तो एक मिक्स क्वेश्चन कॉम्बो क्वेश्चन मान सकते हो जहां पे ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा खासा यूज हो रहा है और उसके साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज भी यूज हो रहा है। उम्मीद करूंगा आगे से ऐसा कोई पैटर्न आपको कहीं भी दिख जाता है तो आप उसको अच्छे से पहचान लोगे, ठीक है। चलो आगे की कहानी देखते हैं, आगे देखते हैं, नोट कर लेना, ठीक है, पॉज पॉज करके नोट कर लेना भाई, अभी तो 12 में तेरे को सर सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है ना, 11 में तो बहुत मेहनत हो जाता था, जो मेहनत नहीं हो रहा अभी सवाल में लगा उस मेहनत को, तब ना जाके फायदा होगा, मैं एक मेहनत से लिख के देता हूँ उस चीज का काम होगा, ठीक है। फिर एक आध पॉज दे करके शुरू करते, ठीक है, पसीना से भीग जाते, हाँ तो चलो शुरू करते हैं हमारा और आगे डिस्कशन। तो थ्री तक हो गया, थ्री का टू होमवर्क में डालो भाई, कर लेना, सिमिलर टाइप का है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन डोमेन पूछ रहा है ना, डोमेन रेंज पूछ रहा है आपको निकालने के लिए। चलो यहाँ पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन, वैसे फंक्शन में तो डोमेन रेंज काफी निकाला गया है ना, बट देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे ना प्रीवियस ईयर में वो किस जगह पे दिख जाएंगे, डोमेन रेंज पे, एक्सरसाइज फोर की बात कर रहा हूँ, डोमेन रेंज पे और उधर दिख जाएगा आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो अभी किए थे ना वन, अभी तक जो भी कर रहे थे उसके ऊपर और प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। उसके अलावा एडवांस में कुछ अलग टाइप क्वेश्चन पूछते, समीशन वगैरह वो अपन सारी चीज कवर कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे रुको, बट डोमेन पे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला देख लो, डोमेन निकालना है, कुछ अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं यार, जैसे मान लो फोर्थ वाला उठा लेते, फोर्थ वाला, ठीक है, बाकी आप कर ही सकते हो इतना, है ना। अब जानते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कॉम्पोजिशन में कवर किए हैं, बेसिकली ये जो है ये क्या है, कॉम्पोजिशन ही तो है ना, सोचने का कोशिश कर, वही तो सबसे अच्छा चीज था, ये क्या है, ये अपने आप में कॉम्पोजिशन ही है, ये एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन का कॉम्पोजिशन हो गया, ठीक है। तो अगर अपन ध्यान से सोचे यहाँ पे
तो ये कॉम्पोजिशन का डोमेन कैसे निकालते थे याद है ना, इस फंक्शन का डोमेन को इसको सेटिस्फाई करा के एक्स निकाल देते थे, याद है ना। मान लो कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, माइनस वन से वन, तो अपन क्या बोलेंगे कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन जो होगा वो क्या होगा, माइनस वन से वन के बीच में होगा। अभी आप बोलोगे कि सर ये इसको सॉल्व करके जो एक्स मिलेगा वही हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि इधर तो इनइक्वालिटी लगाना बेकार है ना सर, तो ये तो माइनस वन से हमेशा बड़ा होगा ही होगा, रूट क्वांटिटी है, ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वेयरिंग का जरूरत होगा, ये क्या है, ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी है, याद है ना, सिखाया था, कुछ बेकार नहीं था, सब काम का चीज सिखाया था, ठीक है। इरेशनल इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज का जरूरत होगा, स्क्वेयरिंग का जरूरत होगा। क्या हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, ये मैंने आपको कैसे बोला था स्क्वेयरिंग करोगे, अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तभी आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो, क्या दोनों साइड पॉजिटिव है, हाँ है, स्क्वेयरिंग करो, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू से छोटा। बट इरेशनल इनइक्वालिटी में जो अलग अलग कंडीशन एक और आ जाता है इंटरसेक्शन लेकर के, इस रूट को डिफाइन होने के लिए x माइनस वन को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, इक्वल टू ले सकते बिकॉज जीरो इज लेस देन इक्वल टू वन, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे जीरो होता और ऐसे चीज होता तब यहाँ पे इक्वल टू भी नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि जीरो लेस देन जीरो नहीं होता है, याद है, सारी चीज रिवाइज करा रहा हूं, देख ये x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया, ये बोलता है टू से छोटा, ये बोलता है वन से बड़ा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, वन से टू तक हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है पक्का। और फंक्शन का अगर रेंज देखना है, खास करके इसमें तो रेंज का पैटर्न वगैरह पूछता नहीं है, फिर भी अगर इसका रेंज अगर आप निकालना चाहते हो तो देख लो पहले, ठीक है ना, रूट एक्स का ग्राफ पता है ना, उससे आप इजीली रूट ऑफ एक्स माइनस वन का ग्राफ निकाल सकते हो। देखो रूट ऑफ एक्स माइनस वन मतलब क्या, इनपुट में माइनस वन किए, अगर आप इनपुट में माइनस वन किए तो ग्राफ क्या होगा, वन यूनिट आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, ये देखो ऐसे हो जाएगा इसका ग्राफ। बट यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होने के लिए टू से छोटा है, मतलब वैल्यू जो है वो क्या है, टू तक सीमित है, तो वन पे तो जीरो दे रहा है और टू पे कितना दे रहा है, वन दे रहा है ना, तो इस फंक्शन का मतलब इस रूट ऑफ एक्स माइनस वन का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, जीरो से वन तक हो गया ना, तो बोलो ना साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, रूट ऑफ एक्स माइनस वन का वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से वन तक है, तो साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन और साइन इनवर्स जीरो से बीच में रहेगा, ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज साइन इनवर्स इटसेल्फ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट ऑफ x माइनस वन, ये हो गया आपका पाई बाई टू, और ये साइन इनवर्स जीरो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस फंक्शन का जो रेंज आ गया ये तो हो गया फंक्शन का डोमेन, और फंक्शन का जो रेंज आ जाएगा वो रेंज क्या हो जाएगा आपका, जीरो क्लोज से पाई बाई टू क्लोज, ठीक बात है, क्लियर है। तो उस प्रकार से कहानी को आप क्या कर सकते हो, अंजाम दे सकते हो। अगला क्वेश्चन फाइव, ये भी कर लेता हूं, सिंपल ही है सारी चीज, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है ना। फाइव में ये देखो, ये डोमेन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, फाइव वाले का रेंज अभी आप इस मोमेंट पे शायद नहीं निकाल पाओगे, कैलकुलस चाहिए होगा आपको, है ना, तो ये डोमेन के लिए करो, मैंने डोमेन रेंज एक साथ लिख लिया, डोमेन के लिए करो फाइव वाला, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स टू एक्स है। कोई कोई ज्ञानी करेगा क्या, सर ये तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो टेंशन क्या कर रहे हो सर, इतना टेंशन किस बात का होता है आपको, सिर्फ जोड़ दो दोनों को, अगर गधे इंटरवल इंटरवल ऑपरेट होता है क्या, नहीं, एक एलिमेंट और एक इंटरवल ऑपरेट होता है, बट इंटरवल इंटरवल अपने आप में ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स, इसका अगर डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, ये फंक्शन कहां से कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, माइनस वन से वन पे, ये फंक्शन कहां से कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, जहां पे 2x माइनस वन से वन पे हो रहा है, तो x कहां से कहां तक होगा, माइनस हाफ से हाफ हो जाएगा इसका डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा हाफ, डोमेन ऑफ fx प्लस gx क्या होता है, डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन gx, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ओवरऑल फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, माइनस हाफ से हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रकार से कहानी को आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। और कोई अच्छा क्वेश्चन वगैरह अगर मिल जाता तो बता देता हूं, दिख तो रहा है, चल सेवन वाला भी बता देता हूं, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप क्लास फंक्शन पार्ट वन को अगर अच्छे से किए हो ये सब तो ऐसे ही आप बना लोगे, ठीक है।
7 y is equal to sin inverse of root over of x minus 1. ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा बोल दो, रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 जो है क्या बोल रहा है, sec इनवर्स है, sec इनवर्स. तो रूट ओवर ऑफ x माइनस 1 जो है वो sec इनवर्स का डोमेन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा या तो वो लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होगा. अभी रूट क्वांटिटी तो माइनस 1 से कभी छोटा होता ही नहीं है, तो ये सोचना तो बेकार है. और इधर दोनों पॉजिटिव है, स्क्वायर कर सकते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 2. बट इस अंडर रूट को डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, इक्वालिटी नहीं ले सकते. क्यों? बिकॉज अगर इक्वालिटी लेते हैं तो ये 0 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा. तो x का वैल्यू किससे बड़ा होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? तो 1 से बड़ा और 2 से बड़ा दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 से इंफिनिटी आ रहा है. तो यही हो जाएगा फंक्शन का क्या, डोमेन. समझ में आ रहा है ना, फंक्शन का डोमेन आपको समझ आता है ना, कहां से कहां तक होगा, 2 से इंफिनिटी होगा. अगर 2 से इंफिनिटी है, अभी अभी देखे थे रूट एक्स माइनस 1 का ग्राफ ये था, अगर 2 से इंफिनिटी है, अच्छा 2 पे वैल्यू कितना आएगा, नहीं ये तो 1 से था, 2 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, है ना. तो ये हो जाएगा ग्राफ, ये हो जाएगा फंक्शन का डोमेन. तो इस चीज का वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से इंफिनिटी, है ना. और अगर अंदर वाला वैल्यू 1 से इंफिनिटी है तो sec इनवर्स का आंसर क्या होगा, याद है sec इनवर्स का ग्राफ कहां से कहां तक होता है भाई, sec इनवर्स का 0 से पाई तक, है ना, 0 से पाई तक, ये पाई बाय 2 में शैडो लाइन होता है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है शैडो ग्राफ. हाँ, अगर अंदर वाला 1 से बड़ा है, ये देखो अंदर वाला जब 1 से बड़ा है तो आंसर कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2, मतलब इस फंक्शन का रेंज भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली. इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 ओपन हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना, क्या होगा इसका रेंज, 0 से पाई बाई 2 ओपन. बोले सर कैसे निकाले, पहले डोमेन निकाला, डोमेन को रख करके देखा कि x का वैल्यू मतलब sec इनवर्स के अंदर वाला वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से इंफिनिटी जा रहा है. और अगर sec इनवर्स के अंदर वाला, ये किसका ग्राफ है, sec इनवर्स समथिंग का ग्राफ है ना, अगर ये समथिंग वाला क्वांटिटी 1 से इंफिनिटी है तो sec इनवर्स का आउटपुट कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से पाई बाई 2 तक. ये देखना ग्राफ, इसके बियॉन्ड तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाना है तब तो x का वैल्यू ये होना पड़ेगा और रूट x माइनस 1 का वैल्यू भी ये नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है. इसीलिए आंसर जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के पाई बाई 2 पे ओपन होगा, बट 0 पे क्या होगा, क्लोज होगा. तो जिसका रेंज निकाल सकते हो उसका बता रहा हूं, जिसका नहीं निकाल सकते वो तो अब कैलकुलस के बाद ही निकाल पाओगे. फिर cos inverse box x को रख देना माइनस 1 से 1 पे, फिर x का वैल्यू निकाल देना, पता ही चल रहा है माइनस 1 से 2 तक होगा, 2 पे ओपन होगा, ठीक है. फिर आगे अगर अपन सोचते हैं ऐसे इसी प्रकार से, तो और क्या क्या बोलने लायक है, 11 और 13 ये दोनों बता देता हूँ, बाकी आप कहानी संभाल लोगे, यहाँ पर मुझे विश्वास है पूरा पूरा चीज आप संभाल सकते हो ना. चलो इस फंक्शन का डोमेन निकालना है ना, आप बोलोगे सर इस फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले अंडर रूट को सेटिस्फाई कराओ, दैट इज अंडर रूट के अंदर वाला चीज हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. अंडर रूट के अंदर वाला चीज अगर पॉजिटिव होगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा, बराबर. अगर पॉजिटिव होता है अंडर रूट के अंदर वाला चीज, तो पॉजिटिव का मतलब कहने मतलब क्या होगा, जीरो नहीं हो सकता है. अंडर रूट के अंदर तो नॉन नेगेटिव होता है बट जीरो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है. तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, इसके साथ इंटरसेक्शन किसका जाएगा, कि लॉग बोलेगा मुझे भी सेटिस्फाई करवाओ, मैं भी तो अपना कंडीशन दूंगा ना. लॉग बोलेगा मेरा कंडीशन क्या है, कि मेरा अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज cot इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है. तो लॉग ऑफ cot इनवर्स इज ग्रेटर देन 0 और cot इनवर्स इज ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका आंसर. अभी लॉग का बेस यहां पे हम मैथमेटिक्स से तो बेस लगभग कुछ भी मानते हैं हमेशा, बेस अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, cot इनवर्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, e to the power 0 1 हो जाएगा, ठीक है. और यहां पे बोल रहा है कोई cot inverse x greater than क्या 0, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, cot inverse x greater than 1 ही आता है ऑब्वियसली. अभी cot inverse का ग्राफ देख लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनइक्वालिटी है ना, तो डायरेक्टली निकाल सकता है ग्राफ, ठीक है.
मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे बिना ग्राफ का कैसे करेगा, लेकिन पहले ग्राफ देख लें। 14 इनवर्स का ग्राफ क्या होता है? हाँ याद आया, ये पाई होता है शायद, है ना, ये पाई बाई टू होता है और ऐसे वो नाचता जाता है, ठीक है, इधर डांस करता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि cot inverse का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 कहां पे है, 1 यहां पे है, राइट से बना देना तो ज्यादा चमकेगा। cot inverse का वैल्यू किससे ज्यादा है? 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा मतलब ज्यादा बोलने का मतलब है पाइप के बाहर तो जा नहीं सकता है, 1 से पाई तक होगा ऑब्वियसली, है ना। तो 1 के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, यह है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर 1 से ये वाला वैल्यू लेना है तो इससे ये वाला वैल्यू लेना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। इधर तो नहीं चाहिए क्योंकि इधर के कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो तो 1 से छोटा है, बट आपको तो cot inverse ग्रेटर देन 1 चाहिए ना, मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए, तो इस वाले हिस्से के लिए x जो होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा, समझ में आ रहा है। तो cot inverse x 1 कब होगा, cot inverse x 1 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, cot 1 होगा, मतलब ये पॉइंट जो है ये पॉइंट कौन सा होगा, x is equal to cot 1 होगा, समझ में आ रहा है, 1 डिग्री क्या लिख रहा हूं, 1 ही होगा, समझ में आ रहा है ना। तो x का वैल्यू जो होगा यहां से वो क्या हो जाएगा, x belongs to minus infinity से कहां तक, cot 1 पे ओपन होगा, बिकॉज़ यहां पे इक्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे cot 1 पे ओपन आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका ये, ठीक बात है, समझ में आ रहा है। तो cot inverse x अगर 1 से बड़ा है तो x का वैल्यू माइनस इनफिनिटी से 1 तक, cot 1 तक हो जाएगा, ठीक। और अगर आप बिना ग्राफ का डायरेक्ट करना चाहते हो तो दोनों तरफ क्या लगा दो, cot लगा दो, दोनों तरफ जैसे ही cot लगाओगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, व्हाई, बिकॉज़ cot इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मैंने आपको अच्छे से बताया था अगर x1 less than x2 है तो fx1 less than fx2 हो जाएगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन हो जाएगा अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, और वाइस वर्सा भी सही, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो x ये तो हो जाएगा cot ऑफ cot इनवर्स x का वैल्यू x हो जाएगा, और ये less than cot 1, x का वैल्यू cot 1 से छोटा मतलब क्या, माइनस इनफिनिटी से cot 1 तक हो जाएगा इसका डोमेन, ठीक है। अभी रेंज का बात करते हैं, cot inverse का वैल्यू क्या मिला, 1 से बड़ा, तो log ऑफ cot inverse का वैल्यू क्या मिलेगा, बेस पॉजिटिव है ना, तो दोनों तरफ log लगा दिया, विद बेस पॉजिटिव, ठीक है, बेस तो ई है, अरे पॉजिटिव क्या, बेस 1 से बड़ा है ना, log के खिलाफ log और एक्सपोनेंशियल में बेस क्या लफड़ा करता है, या तो 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, 1 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बेस 1 से बड़ा है, e तो 1 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो log ऑफ cot inverse x log 1 से बड़ा होगा, दैट इज 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू मिल गया 0 से इंफिनिटी, तो रूट x का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना। x अगर 0 से इंफिनिटी है तो रूट x भी 0 से इंफिनिटी, तो 1 बाई 0 से इंफिनिटी आप इजीली रेंज निकाल सकते हो। ये अगर मैक्सिमम डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मिनिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम इंफिनिटी थी, तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर अगर मिनिमम हुआ तो ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। बट डिनोमिनेटर पे 0 होता नहीं है, ठीक है ना, 0 पे ओपन होगा, ये देखो 0 पे इक्वालिटी तो है नहीं, ओपन होगा, तो यहां पे भी क्या आएगा, ओपन आएगा, फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो डोमेन क्या होगा, अभी भी निकाला, माइनस इंफिनिटी से cot 1 तक होगा, और रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी होगा, ठीक है, समझ आ रहा है, चलो कर सकते हो बराबर, डोमेन रेंज हाथ में आ रहा है ना, करते जाना, सीखते जाना, डाउट रहता है पूछते जाना, सब हो जाएगा। यार आप लोगों का बिना चेहरा देखे पढ़ाने में कितना डर है, बहुत समझ नहीं आती है, फिर भी चाहता हूँ थोड़ा बहुत होमवर्क कर दो, नहीं करते हो यार, बहुत गलत कर रहे हो, याद रखना भगवान को जवाब देना पड़ेगा आपको, मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आगे सोचते हैं, आखिरी क्वेश्चन बताते हैं, चल 13 नंबर है ना, 13 नंबर देख ले, 13 क्या है, वाई बराबर cos inverse ऑफ x square plus 2x plus 2 plus tan inverse of x plus 2, ठीक बात है। इस चीज का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, सही भाई, इस चीज का क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। एक कहानी समझेगा ध्यान से देख, इसका डोमेन मतलब क्या, इसका डोमेन और इसका डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन ले लेंगे, चलो
पहले एक बार इसको देखो कि ये लिखा क्या है, क्या ये इस प्रकार से लिखा गया? बिल्कुल सही, वन प्लस में एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, तो इस फंक्शन का अंदर वाला वैल्यू क्या है? वन से इंफिनिटी, बट कॉस इनवर्स का आंसर तो हमेशा अंदर में माइनस वन से वन होना चाहिए, तो ये कॉस इनवर्स तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना इस वैल्यू पे, सिर्फ सेटिस्फाई कब करेगा? जब इस चीज का वैल्यू वन होगा, क्योंकि उसका रेंज डोमेन क्या होता है? माइनस वन से वन होता है ना, तो सेटिस्फाई तभी होगा ये फंक्शन सेटिस्फाइड होना, ये फंक्शन डिफाइंड होना, मतलब ओवरऑल फंक्शन डिफाइंड होना, ये अगर खुद अनडिफाइंड हो गया तो पूरा फंक्शन रोएगा बैठ के, ठीक है? तो इसको डिफाइंड होने के लिए ये चीज बोलेगा कि मैं तो वन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये बोलेगा ये, और अगर ये बोलता है कि मैं तो वन के अलावा, क्योंकि वन के बड़ा अगर हो जाता है वो एक्स, अगर मतलब देखो ये वन का बोलता है, देख लो पहले, मतलब एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू क्या माइनस वन, एक्स बोलेगा अगर मैं माइनस वन छोड़ के दूसरा कोई वैल्यू लेता हूं तब तो ये एक्सप्रेशन वन से बड़ा हो जाएगा, अगर ये एक्सप्रेशन वन से बड़ा हो गया तो कॉस इनवर्स अनडिफाइंड, कॉस इनवर्स अनडिफाइंड तो पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड, बट हमारा क्वेश्चन तो फंक्शन को डिफाइन करना, तो अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो एक्स का ओनली वन पॉसिबिलिटी है, क्या होगा? एक्स माइनस वन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो इस वक्त क्या होगा? एक सिंगल टन सेट होगा जहां पे सिर्फ कौन रहेगा? माइनस वन, टेन इनवर्स का डोमेन में तो कोई नफरा है ही, उसका तो आर होता है ना डोमेन। चलो अभी रेंज देख लेते, अगर सिंगल टन सेट है तो रेंज भी क्या आएगा? सिंगल टन सेट ही आएगा, वन का वैल्यू डाल दो, सॉरी एक्स का वैल्यू माइनस वन डाल दो तो कॉस इनवर्स के अंदर वन आ जाएगा और टेन इनवर्स के अंदर भी वन आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स वन क्या हो जाएगा? समझ सकते हो, कॉस इनवर्स वन क्या होगा? जीरो होगा, और टेन इनवर्स वन क्या हो जाएगा? पाई बाय फोर हो जाएगा, तो आंसर जो होगा क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली पाई बाय फोर, समझ में आ रहा है ना भाई? इसको टेन पाई बाय फोर इसको कॉस जीरो लिख सकता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस जीरो विल बी जीरो, बिकॉज जीरो लाइन इंटरवल जीरो टू पाई क्लोज एंड पाई बाय फोर लाइन इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, दैट्स व्हाई इट इज पाई बाय फोर, समझ में आ रहा है ना? इसका रेंज आ गया ये और डोमेन आ गया, ठीक है? चलो तो हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर फोर भी हो गया, अभी आगे बढ़ते बोनस लेते आगे बढ़ते, ठीक है? समझ आ रहा पूरा कहानी है ना, और अच्छे से नोट कर लो।